फ्रेंड्स यू आर वेरी वेलकम टू आवर टेक्निकल रुशद यूट्यूब चैनल। गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई एंटीना वर्सेस 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई एंटीना के बारे में कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा लेना चाहिए। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा थैंक यू कहना चाहता हूँ। जो मेरी पहले वाली वीडियो थी वाईफाई राउटर के ऊपर, जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था सिंगल एंटीना वर्सेस मल्टीपल एंटीना वाईफाई राउटर के बारे में, तो उसके अंदर आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो गाइस ऐसा ही प्यार इस वाली वीडियो में भी दे देना। चलो वीडियो को करते हैं सीरियसली स्टार्ट। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे पास दो वाईफाई राउटर हैं, जिसके अंदर देख सकते हैं आप, जो मेरा पहले वाला राउटर है इसके अंदर एक एंटीना लगा हुआ है और ये एंटीना है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का। और जो मेरा दूसरा वाईफाई राउटर है इसके अंदर तीन एंटीने लगे हुए हैं, जिसके अंदर से दो एंटीने हैं मेरे यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के और एक एंटीना है मेरा 5 गीगाहर्ट्ज़ का। अब तो गाइज़ आपने ये देख लिया कि यहाँ पे दो एंटीने मेरे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के, एक एंटीना 5 गीगाहर्ट्ज़ का और इसके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का एक एंटीना। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर जब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का दे रखा है 5 गीगाहर्ट्ज़ का क्यों दे रखा है और इसके अंदर खाली 2.54 गीगाहर्ट्ज़ का क्यों दे रखा है। तो गाइस सबसे पहले मैं इनको रखता हूँ साइड में और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये गीगाहर्ट्ज़ होता क्या है, कि भाई हमारे जो एंटेना है ये गीगाहर्ट्ज़ पे, इन पे क्या डिपेंड करता है, क्या नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो गीगाहर्ट्ज़ होता है ये होता है एक फ्रिक्वेंसी की यूनिट, फ्रिक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है GHz, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर GHz लिखते हैं और फुल फॉर्म में बोलते हैं गीगाहर्ट्ज़। तो गाइज़ यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो टाइप के वाईफाई एंटीना आते हैं जो हम नॉर्मली राउटर के अंदर यूज़ करते हैं। पहला होता है हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज़। अब गाइज़ देखिए गीगाहर्ट्ज़ जैसा कि मैंने बताया फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, यानी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे आप देख के पता लगा सकते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी हमारी कम है और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। आप नंबर से पता लगा सकते हैं जो ज़्यादा है। अब गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी किया था साइंटिफिक रीज़न कि अगर हमारी फ्रिक्वेंसी किसी भी वेव्स यानी किसी भी सिग्नल की ज़्यादा होती है तो वो सिग्नल ज़्यादा डेटा कैरी कर सकता है। तो आप इससे यहाँ पे ये समझ गए जो हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला है वो कम डेटा को कैरी करेगा, यानी उसकी जो सिग्नल होंगे वो कम डेटा को कैरी करेंगे, और जो हमारा 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला है वो हमारे ज़्यादा डेटा को कैरी करेगा। अब वो ज़्यादा डेटा को कैरी करेगा तो उसके अंदर हमारी ज़्यादा इंटरनेट स्पीड होगी, और जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला है उसके अंदर हमारी कम इंटरनेट स्पीड होगी। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से क्लियर हो गया होगा कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है, 2.45 गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है। अब गाइज आपने जैसा कि देखा मेरा जो ये वाला वाईफाई राउटर है इसके अंदर यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के दो एंटीने क्यों लगे हुए हैं, जबकि इसके अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ का ये ज़्यादा डेटा कैरी कर सकता है। तो गाइज़ इसके अंदर दो एंटीने इसलिए लगे हुए हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के, क्योंकि जो मोस्टली डिवाइस हैं यानी आज तक भी जो हमारे लोअर रेंज के फ़ोन होते हैं या फिर मिड रेंज के फ़ोन होते हैं उनके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड ही अलाउ होता है। 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड अगर आप वाईफाई से सर्च करते हैं तो वो सर्च रिज़ल्ट में भी नहीं आता, कनेक्ट होने की तो बात ही बहुत दूर है। तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई राउटर होता है तो उसके अंदर कम से कम एक एंटीना 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का तो मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कि जो नॉर्मल रेंज के फ़ोन हैं यानी जो मिड रेंज और लोअर रेंज के फ़ोन हैं, जैसे स्मार्टफोन है हमारे 8-10 हज़ार वाले, तो उनके अंदर भी वो कनेक्ट हो सके। तो गाइस अब बात करते हैं कि आपको कौन सा वाईफाई राउटर लेना चाहिए और किस हिसाब से आपको अपना वाईफाई राउटर चूज़ करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफाई राउटर होता है हमारा, उसके अंदर जो हमारी मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है ऑन पेपर वो 150 Mbps तक लिखी रहती है ऑन पेपर, बट ये जो एक्चुअल में सपोर्ट करती है 75 Mbps तक की सपोर्ट करती है। तो गाइज़ इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऑन पेपर ना जाएं। अगर आप 100 Mbps का भी प्लान लगा रहे हैं तो आप 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफाई राउटर खरीदें, जिससे कि अगर आपके फ़ोन के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर सपोर्ट होगा तो आपके लैपटॉप और फ़ोन के अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ यानी ज़्यादा हाई स्पीड वाला इंटरनेट एक्सेस हो सके। तो गाइज़ जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफाई राउटर होता है अगर इसके अंदर हम 100 Mbps का भी कनेक्शन लगा देना तो तब भी ये 75 Mbps देता है, पूरी 100 Mbps नहीं दे पाता, 25 Mbps इसके 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होने पर ही कट हो जाती है। और अगर इसकी बात की जाए 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले की तो ये जो ऑन पेपर देता है ये देता है 1 Gbps तक की हाई स्पीड, लेकिन इसकी भी लिमिट है, ये भी 750-750 Mbps तक समाप्त हो जाता है। तो अगर आप ज़्यादा ही हाई स्पीड लेना चाहते हैं, आपके पास हाई एंड डिवाइसेज हैं लाइक फ्लैगशिप डिवाइस है, फ्लैगशिप लैपटॉप है, फ्लैगशिप सब चीज़ें ऑल फ्लैगशिप हैं,
तो आप 5 GHz वाले वाईफाई राउटर के साथ जाइएगा। हालांकि आप इसके साथ जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 2.4 GHz का एंटीना भी अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपकी नीड ही नहीं है तो आप ये वाला वाईफाई राउटर ख़रीद के अपने पैसे क्यों वेस्ट करें। आप सिंपली फिर ये वाला ख़रीद सकते हैं, जबकि ये 700-800 का आता है और ये 2500-3000 से स्टार्ट होता है और ऊपर तक कितना भी जा सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे आपका ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कौन सा आपको वाईफाई राउटर लेना चाहिए और इनकी स्पीड लिमिट क्या क्या है। तो गाइज़ आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन वाईफाई राउटर को लेकर अब तक क्लियर हो गए होंगे पहले वाली वीडियो को देखकर और ये वाली वीडियो को देखकर। और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पर डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसे देख लेना। तो गाइज़ आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सा वाईफाई राउटर लेना चाहिए आपके कनेक्शन के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से और किस हिसाब से आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइज़ अगर कोई भी क्वेरी रह गई हो अभी भी वाईफाई राउटर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा और मैं एक्चुअल हमेशा रिप्लाई करता भी हूँ। जैसे ही कमेंट आता है और मेरे पास फ़ोन होता है मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों की भी क्वेरीज़ आती हैं मैं वहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, और अगर क्वेरी ज़्यादा आ जाए या बड़ी आए तो मैंने जैसे कि अभी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है तो इस टाइप की मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच करें और जो मन में आए वो करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।